साढ़े थोपड़ा तोड़ दूंगा अगर मेरी बंदी की दूसरी बार तूने फोटो शोटो खींचने की कोशिश की तो। भाई प्यार से बोल देता, मुक्के से डर लगता है यार। चाची बाली का फोन नहीं लग रहा, मुंबई जाने के लिए बोल रही थी और उसने टिकट भी करा लिया। कैसे खड़ी है मतलब कैसे खड़ी? हाँ जी। अरे वहाँ बच्चे घर पे रो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? पता नहीं, तूने नहीं करा, किसने करना भाई? मैंने ठेका लिया हुआ है तुम्हारे। अरे वो तो पता, मैं खड़ी हूँ, नहीं दे सकती मैं। क्यों? कौन देगा? अपने बना के दो, मेरे से क्या मतलब? हाँ वो तो मैं पता कर ही लूंगा। जो आएगी मैं पार्टी में जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त गाँव की टेंशन ना हो। हाँ मैं फोन करता हूँ। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? भूख लगी है, मैंने ठीक कर दिया है। क्या बेवकूफ हो क्या? चौधरी, पता कर आसपास थाने में किसी की मिसिंग रिपोर्ट है क्या? जी सर। केला है, सेब है, संतरा है, अंगूर है, पपीता है। ठीक है। और बिल्डर, रघु तेरा नाम है, पहचानता है इसको? इस लड़की की रिपोर्ट तूने लिखाई थी मिसिंग की? नाम क्या था? बाली। साथ में रहती थी? हाँ। क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया सर। चूतिया दिखते हैं क्या? चौधरी, क्या ये उस चादर का टैग है जो उस लड़की की जली हुई लाश के पास से मिला है? और धोबी का कहना है कि यह चादर तेरे घर की है। हाँ तो भाई रघु, तूने नहीं किया। तो वो चादर वहां पर पहुंची कैसे? मैं
मैं खुद दो दिन से बाली को ढूंढ रहा था। अरे रघु तू के बात होगी भाई। अरे बाली आई थी क्या यहाँ? भाई मेरा तो फोन ना उठाती वो। क्यों तेरा भी नहीं उठाया क्या? ओहो क्या बात है रघु, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गया? बाली आई थी यहाँ? एल मैं तो ऐनी खुश हो रही थी, तू तो बाली को ढूंढने आया है। आई थी क्या? मैंने नहीं देखा उसे और ना ही वो यहाँ आई थी। पर तूने तो बोला था कि तेरे साथ रहती हूँ। सर हमारे दो दिन पहले लड़ाई हुई थी। ऐसा क्या बोल दिया तूने कि वो घर छोड़ के ही चली गई? बहुत छोटी सी बात थी। अरे यार इंग्लिश। फिर इंग्लिश यार, घनी हर जगह इंग्लिश इंग्लिश। रघु तुझे कितनी बार मना किया ना मेरा फोन छेड़ने के लिए? अरे बॉयफ्रेंड हूँ मैं तेरा, समझ गई ना? इसमें सारे मेरे काम के मैसेजेस हैं। अरे ऐसे कौन से मैसेजेस में जो मुझे मालूम नहीं है? तुझे पता है ना कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, और सुन ले मैं परसों की फ्लाइट से मुंबई जा रही हूँ। क्या मुंबई? देख बाली मैंने तुझे पहले भी समझाया है और आज भी समझा रहा हूँ, ये आखिरी टाइम होगा समझाने का। ये एक्टिंग का भूत है ना, अपने दिमाग से निकाल लियो। अगर तू मुंबई गई ना तुम सुब्रक कोई नहीं होगा, ये बात समझ लियो तू। इसी बात पर वो घर छोड़कर चली गई थी और मुझे नहीं पता वो चादर वहां कैसे पहुंची। सर मेरा यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया, पर मुझे कहीं से पता चला था कि पिछले दो दिन से बाली बल्ली के साथ थी। क्या? किसके साथ थी? सर बल्ली के साथ। बल्ली बाली ये बल्ली कौन है? सर बल्ली एक फोटोग्राफर है। जब मुझे पता चला कि बाली बल्ली के घर पे है तो मैं उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा। हेलो। ओए रघु नैना बोल रही हूँ, तेरे काम की न्यूज़ देनी है। हाँ बोल। ओहो तेरे काम की न्यूज़ दे रही हूँ, सिर्फ प्यार से तो बात कर। बोल क्या बात है? सुन वो है ना मेरा हेयर स्टाइलिस्ट, उसने बताया तेरी बाली ना बल्ली के साथ कल शाम को उसके स्टूडियो में थी। बाली कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बाली कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। एयरपोर्ट। और जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा बाली मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी। बाली। अरे भाई यादव तूने बहुत बड़ा फोटोग्राफर है यू। अरे लड़निया नहीं कह जाएगा कि आदमी नहीं बेच ले। पूछ ले। तुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया गया है, यहाँ चुप कोई नहीं बैठता है। अब तू खुद कुछ बोलेगा या मैं तुझसे बुलवाऊंगा? I'm amazed, I'm surprised. मुझे भी यकीन नहीं होता कि बाली इस दुनिया में नहीं है। I mean, हम लोगों ने साथ में इतने शूट्स किए हैं,
मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। I don't want to say। ओए बल्ली, स्टिल फोटोग्राफी छोड़ के फिल्म विल्म बनाना चाहता है क्या? तू तो चली जाएगी मुंबई बहुत बड़ी हीरोइन बनने। मैंने सोचा मैं भी कैमरामैन बन जाता हूँ फोटोग्राफी छोड़ के, तो तेरे को लेके ना एक बहुत ही सेक्सी सी पिक्चर बनाऊंगा। ओए तुझे क्या, मैं सीक्रेट फिल्म की हीरोइन लगती हूँ? तेरी फिल्म में कोई रोल नहीं करने वाली मैं, समझा? अरे तो मैं कौन सी पिक्चर बनाने जा रहा हूँ, तो इतनी सीरियस मत हो। एक काम कर, शांति से ऑडिशन दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी में धक्के खाती रह जाए तो स्ट्रगल की तरह। बाली को कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, देखना पहले ही ऑडिशन में सिलेक्ट होगी बाली। अरे बाल ठीक करना, बाल ठीक कर, इधर इधर बाली, थोड़ा सा, हाँ बाली बाली, हाँ अरे फ्रेम से बाहर कहाँ जा रही है, अंदर, अरे अंदर लेफ्ट में, हाँ होल्ड कर होल्ड कर, क्या कर क्या रही है तू, थोड़ा धीरे तो जा, मैं घुमाऊं कैसे कैमरा, हाँ साथ में थोड़ा सा, हाँ ये बोल बोल बोल, अरे डायलॉग बोल, मैं क्या कर रही है बाली, तेरे से ही नहीं होने वाला, एक काम कर शादी कर ले, दो बच्चे पैदा कर और घर में उनको पाल। ए चुपचाप शूट कर, सॉरी, चल चल। क्या क्या बोलूं मैं? अरे मेरे से क्या पूछ रही है, मैं कोई डायलॉग राइटर थोड़ी हूँ, जो दिल में आए बोल दे। एक काम करना, लड़ाई कर ले तू, प्यार की बातें तो तू कर दी सकती। ठीक है ट्राई करती हूँ। एक्सक्यूज मी लल्लू, मैं तेरे ते प्रेम करूँ, धर्म ते ईमान ते, मम्मी पापा की कसम, अगर तुझे मुझसे फ्रेंडशिप करनी है तो कर, नहीं तो ऐसी तैसी करा। तू वादा के ये बोलने वाली है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है एक सीन के ऑडिशन के लिए फ्लाइट का टिकट लेके जा रही है तू। सॉरी, चल चल। राहुल, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे पागल है क्या, जान दे दूंगी, जान ले लूंगी नहीं, आज तक मक्खी मारी नहीं, जान दे लूं। ओए अब देख, चल शुरू हो जा। एक्शन। ओए बल्ली, किटी, आई लव यू यार। क्या बात है, बड़ा हकशक कर रही है, कोई मूवी शूवी मिल गई क्या? हाँ। हाँ यार, मुझे एक एड फिल्म मिल गई है। क्या बात कर रही है? हाँ, और 3 दिनों के बाद मुंबई मेरा शूट है। कमाल है, तेरे को और चाहिए क्या लाइफ में, बताओ? ये सब तेरी फोटो की वजह से हुआ है, और आज दिल कर रहा है कि देखा बल्ली की फोटोग्राफी का कमाल है, और तू ऐसी आ गई, कोई मिठाई स्टॉल नहीं लेके आ सकती थी? ये ले तेरी मिठाई। सर मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ, पाली मेरे यहाँ 2 दिन के लिए रुकी थी। ए ए सुन सुन, ज्यादा ना अकड़ने की जरूरत नहीं है, किट्टी भी तेरे से कोई कम सेक्सी नहीं है, समझी ना? बताती हूँ। झील दिया सर मेरा। कोई बात नहीं, दूसरी भी है मेरे पास। बाली यार हद कर दी तूने, ऐसा कौन सा बम फट गया, कमाल करती है, लेकिन एक बार में तेरी नथ के अंदर ना बड़ी सेक्सी लग रही है। एक्ट्रेस बनी हुई है, टिकट लो, और 15 ले लिया रात के लिए। बल्ली की पकड़ है। बल्ली हाथ छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगा, क्या कर देगी। जो आ रहा मार के जाते, अरे मार के जाएगी, बैंडेज तो लगा देती। तुझे सेक्सी क्या बोल दिया तूने, तो नथ भी उतार दी है, क्या देख रही? जब इतना गुस्सा था ना तो अपने लिए एक मुंडू साथ लेके आना था, सामान रखने के लिए मुंडू बना के पीछे घुमा दिया यार, एक छोटी सी बात के लिए। अरे होता है यार, हमारा प्रोफेशन ऐसा है, अब कल को तू बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी, कोई तेरे को किस कर देगा तो प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? बल्ली
मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जिनके साथ तू फ्लर्ट करता है, ये बात तू जानता है। और मैं रघु को बिना बताए यहाँ आई हूँ। वो तो मुझे परसों की फ्लाइट से मुंबई जाना है और रघु मेरी मॉडलिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे तेरे यहाँ रुकना पड़ रहा है। और अगर तू चाहता है ना कि मैं यहाँ रुकूं, तो मेरे साथ कुछ भी ऐसा करने की कोशिश मत करना जिसकी वजह से मैं तुझसे नफरत करने लगूं। और इस बात का रघु को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आई थी। यार तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं सबसे बड़ा प्रेम चोपड़ा, रघु अनिल कपूर और तू श्रीदेवी है। यार तू पागल है क्या? तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वी आर फ्रेंड्स। एक काम कर, जाके बाथरूम में फ्रेश हो जा एंड जस्ट चिलैक्स, ठीक है? मुंडू लेके आती ना साहब के कपड़े के लिए, अब कपड़े नहीं मेरे को पता कहाँ पे, पूरा बैग ही ले ले तू। अरे मुंबई जा रही है तू, क्या पता बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी, फिर मौका मिले ना मिले, सोचा तेरे साथ आज सेलिब्रेट कर लूं। Cheers for your trip to Bombay. अच्छा तो कहेगा और मैं मान जाऊंगा, फिल्म की शूटिंग चल रही है यहाँ पे। अब तू बोलेगा रात को कैटरीना कैफ तेरे घर पे आई थी, तो क्या मैं मान जाऊंगा? विटनेस क्या है? सबूत। हाँ साहब जी, सुबह मैं नशे में था, मैं गया था इसके घर पे, मैंने वहाँ एक लड़की देखी। रामी तेरे को मना किया था ना देख ली? अरे क्या हुआ? अरे नशे में हूँ, घर पे जाऊंगा ना तो बूढ़ा हो किसे सूद देगा। तो लौंडिया ये बात है साले हरामी। लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, पता नहीं ये थी या कोई और थी। इस लड़की को देखा है? अरे हाँ सर, जब मैं किराया लेने गया इसके घर तो मैंने इसी लड़की को देखा था वहाँ पे, ये चाय बना रही थी हमारा रसोई में। भाई घर मेरा, मालिक मैं, अपने घर में आ सकूँ ना आ सकूँ? भाई ये तो मुझे पता लग गया कि तेरे से किराया ना दिया जाए, पर अब मुझे तू ये बता कि तू किराया देगा या तेरा सामान फेंकवाऊँ? पन्ना गुप्ता जी ऐसा ना करना, मैं एक नामी फोटोग्राफर हूँ, मेरी अखबार में रोज फोटो छपती है। एक बात सुनो, आप हमारी लाइन में पैसा कम होता है ज्यादा भी होता है, लेकिन वक्त पे नहीं आता ये मैं मानता हूँ, लेकिन सुनो एक दिन की मोहलत दे दो, चेक मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। तेरे कल कल के चक्कर में मुझे शमशान घाट में भर्ती होना पड़ जाएगा। पर मुझे ये बता, तू रहवे तो अकेला है पर तूने चाय बनाने को किसको बोला है? ओ गुप्ता जी टेंशन वाली बात ना है, मेरी मंगेतर है जी, लड़की फियांसी है मेरी। चल ठीक है, एक शर्त पे तेरे को एक दिन की मोहलत देता हूँ, कल तक। कौन सी शर्त गुप्ता जी? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, ये लड़की खिड़की पे खड़ी थी और मैं एक जवान लौंडा हूँ सर, बस सिर्फ हाथों से कुछ इशारे वगैरह कर दिया सर। आइंदा से ऐसी कुछ गलती नहीं हो, कभी कोई लड़की नहीं छेड़ूंगा सर। हाँ जी फारूक खान बोल रहे हैं क्या? हाँ फारूक खान बोल रहा हूँ भाई। महाभारत का ऑडिशन दोगे क्या? हाँ जरूर दूंगा सर। दुशासन का कैरेक्टर है? हाँ करूंगा। हंस के दिखाना दुशासन की तरह? जरूर। ए द्रौपदी भरी सभा में तेरी सारी उतारूंगा।
और पूरी दुनिया के सामने तेरी इज्जत उछालूंगा। मिट्टी डाल यार, नए साल पे नया काम करते हैं। अब बता, है कोई ठाठा? मॉडल है तो ठाठा, लेकिन पैसे भी ठाठा लगेंगे। ओ यार, बजट है 1 लाख। 50,000 लड़की फाइनल होने पे जल्दी कोई फोटो छोटो भेज दे। अरे चड्डा साहब, फोटो छोटो भेजने के दिन लद गए। सीधा घर पे आ जाओ, लाइव दिखाता हूँ आपको। हाँ सर। तुम्हारे पास मोजरी है क्या पैरों में पहनने वाली? सर मोजरी तो नहीं, लेकिन लेकिन मैं अरेंज कर लूंगा सर। हाँ साहब, हमने मैडम को किताब पढ़ते हुए देखा था, लेकिन साहब जी उन्होंने हमें नल का पैसा दिया लेकिन फ्लश का पैसा नहीं दिया। हाँ साहब जी, बल्ली के घर से लड़ाई की आवाजें आ रही थी तो मैंने जाके गेट खटखटाया। बल्ली बाहर आया तो मैंने उसको समझाया कि क्यों लड़ाई कर रहे हो। अरे बेटा, इतनी जोर जोर से झगड़ा क्यों कर रहे हो? गर्लफ्रेंड है क्या? जी आंटी। उन्होंने मेरा कहना मान लिया। लो जी, ये भी मुक गई। हाँ भाई, 2 बोतल वोडका की भेज दो। अबे कितनी बार ये एड्रेस लोगे यार, तुम्हें एड्रेस नहीं मालूम क्या? बल्ली बोल रहा हूँ। साली इतनी क्विक सर्विस। दरवाजा खुला, आ जाओ। अरे भाभी आप, ये कौन है? बल्ली जी, ये मेरा भतीजा, ने बड़ी जिद कर रहा था आपसे मिलने के लिए। मुझसे क्यों भाभी जी? क्या है ना ये, क्या बोलते हैं उसको, कॉडल शॉडल, मॉडल मॉडल। हाँ हाँ हाँ, वही बनना चाहता है ये। भाभी जी आपने कह दिया तो मॉडल क्या, एक्टर भी बना देंगे। सुना दे भाई कुछ। भाभी माँ समान होती है, माँ कम समान ज्यादा होती है। क्या बात है भाई, एक्टिंग तो तेरे खून में बसी हुई है। बल्ली जी बड़े ही नोटी है आपकी गर्लफ्रेंड है क्या वो? हाँ इन मैडम को साहब जी मैंने आते भी देखा बल्ली के साथ, और जाते हुए गाड़ी में साथ में देखा। अरे यार, अब तो बात कर, पूरे रास्ते मुंह फुला के बैठ रहेगी क्या, या हीरोइन बनने के बाद बात करेगी मुझसे? हद है यार, कसम से हद। उसके बाद मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ के आया था। अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पाली इस दुनिया में नहीं है। I'm surprised. और हाँ, एयरपोर्ट छोड़ के आने के बाद एक आदमी मेरे घर आया था, रघु। उसने मेरे से बाली के बारे में पूछा। बाली कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बाली कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। एयरपोर्ट। बाली, तुमने कुछ नहीं किया, तुम जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया तो तुम्हें आना पड़ेगा। कदे आ जाइए, फटाफट किचन वाली दोनों की साथ कर मेरी। रघु, कैसे किया सब? मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, मैं एयरपोर्ट गया जरूर था, पर मुझे वहां पाली कहीं नहीं मिली, और ना ही वो मुंबई पहुंची। मुंबई के लिए टेक ऑफ कैसे करती? तूने उसका टेक ऑफ डायरेक्ट ऊपर से कर दिया था। अब बोल, कैसे किया है सब? साहब, वो मेरी होने वाली मंगेतर थी, उस पर एक्ट्रेस बनने का बहुत बहुत सवाल था। मुझे उसकी इस लाइन से सख्त नफरत थी, इसलिए वो मुझसे गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई। पर मुझे क्या पता था कि एक दिन वो मुझसे इतना गुस्सा हो जाएगी कि मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी।
हाँ भाई, हाँ ठीक है, बाद में फिर। बेबी क्या देख रहा है, बेबी क्या देख रहा है, हाँ क्या देख रहा है बेबी? कुछ खाया? कुछ खाया? क्या खाया? साहब मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, गेट बंद करके जाना है। ओए बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय। कहाँ यार, एक सेकंड बेटा, मैं अंदर जाऊं है? ठीक। हाँ यादव बोल। साहब रघु कह रहा है तुम्हें जो लिखना है लिख दो, मैं उस पर दस्तखत करने के लिए रेडी हूँ। ये सारी सामान लिया? हाँ साहब। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, सुबह चला जा। इतनी जल्दी? हाँ तेरी नहीं नहीं साहब, ये काम कर तेरी लगाई मैं के बाद क्या क्या साहब। साली मेरी तो भागती रहती है। नमस्ते बाबूजी। हाँ नमस्कार काका, और सब ठीक है काका? बढ़िया है बाबूजी, अच्छा है। मालकिन नहीं आई बाबूजी? आ जाएगी काका दो चार दिन में। बेटिया अभी तक टीवी देख रही है क्या? नहीं काका, सो रही है वो तो। अच्छा बेटिया आंखें खोल करके सो रही है क्या? हाँ काका बेटिया आंखें खोल कर। वैसे फोटो तो अच्छी खींच लेता तू और दिमाग भी अच्छा चला देता, पर पुलिस वाले से अच्छा दिमाग नहीं चला सकता तू। सर देखिए मैं एक फोटोग्राफर हूं, मेरे घर रोज 3600 लड़कियां आती हैं, अगर उनमें से कोई एक आध मर गई मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मुझे मुझे कसम से कुछ समझ नहीं आ रहा, कहना क्या चाहते हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा तेरे को? समझाया तेरे को? तेरे समझ में नहीं आ रहा चौधरी? जी सर। सारे फिटनेस दोबारा से बुला, उन सबको बुला जिसने उस रात उस लोंडिया को इसके घर पे देखा था, हर इंसान को। बैठिए यादव। राणा दोनाली सिंह तेरा ही नाम है? जी साहब जी। वॉचमैन है तो उस बिल्डिंग का? जी साहब जी। उस रात को जब ये मैडम के साथ जा रहा था, मैडम को देखा था इसके साथ जाते हुए? जी साहब जी देखा था। अरे दुनाली सिंह क्या हाल चाल, गांव में सब ठीक ठाक? बढ़िया है साहब। कहीं जा रहे हो साहब? हाँ यार एक दोस्त को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। अरे दुनाली सिंह आज कुछ ठंडी सी है क्या है? दुनाली तुम्हारे पास माचिस है क्या? अभी सर मैं आपके लिए माचिस लेके आ रहा हूँ साहब जी। तो तूने मैडम को सलाम किया था? जी साहब जी। मैडम ने तेरे नमस्ते का जवाब दिया या नहीं दिया, सोच के बोल। नहीं साहब जी मैडम ने कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने गाड़ी का कांच भी खटखटाया था। मैडम नमस्ते, मैडम मैडम। क्या हुआ दुनाली सिंह? कुछ नहीं साहब जी, माचिस लाने गया था।
उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, दोनों चले गए साहब जी। और कुछ ना देखा तूने? सोच ले हैं? सर वकील साहब आए, बुलाओ। कितने केस चल रहे हैं बल्ली पे? कितने केस चल रहे हैं छोड़िए, पहले ये बताइए आपने इसको किस जुर्म में पकड़ा है? वकील साहब यहाँ सिर्फ सवाल मैं पूछता हूँ, कितने केस चल रहे हैं उसके ऊपर? 3। वकील साहब आपकी स्पेशलाइजेशन सिर्फ इसी में है ना कि आप उन्हीं लोगों के केस लड़ते हैं जो लोग दिमागी रूप से बीमार होते हैं? That's none of your business. 8 दिसंबर 2010 सेक्सुअल असॉल्ट, 15 मई 2011 चाइल्ड मोलेस्टेशन, 14 फरवरी 2012 वैलेंटाइन डे एक लड़की को ड्रग्स के ओवरडोज में मार मार के अधमरा कर दिया गया। एंड यस दिस इज लास्ट बिजनेस। बट ही हैजंट बीन कन्विक्टेड इन एनी केस, ऑन व्हाट बेसिस यू हैव अरेस्टेड हिम? लास्ट टाइम बाली मरने से पहले बल्ली के साथ देखी गई है, एंड दैट्स माय रीजन फॉर अरेस्टिंग हिम। कोई फायदा नहीं एसीपी साहब। हाँ तो गुप्ता जी, चाय आपने पी थी और चाय आपको अच्छी भी लगी, पर चाय आपके लिए लेकर कौन आया था? चाय तो ये बल्ली लाया था, लड़की बाहर आई नहीं। कौन सी शर्त गुप्ता जी? चाय पिलानी पड़ेगी पर तेरे हाथ की ना पीनी। वो क्या बोल रहे हैं, वो तेरी प्यांसी के हाथ की? अरे गुप्ता जी आप भी बेकार की बात, आपको कभी चाय के लिए मना किया? अभी लेके आता हूँ। क्या कर रही है, चाय बन गई? अरे गुप्ता जी अपने टेंशन मत ले, तो ऐसे चिल्लाते रहते हो कभी कभी, बेटा मानते ना मुझे। ये लीजिए गुप्ता जी चाय पीजिए। लड़की ने चाय तो बड़ी चोखी बनाई है, तूने तो कभी इतनी बढ़िया चाय पिलाई ना। पर पहली बार इसके घर में अच्छी चाय पी है, लड़की चाय बड़ी जबरदस्त बनाती है। तूने बोला था कि मैडम तेरे सामने किताब पढ़ रही थी, ठीक है यही बोला था? तो क्या मैडम ने तेरे सामने कोई पन्ना वन्ना बदला था? नहीं बदला था। नहीं साहब, मेरे सामने तो पन्ना नहीं पलटा हुआ था। कहाँ था तू? साहब मैं तो उस टाइम बाथरूम में था। क्यों मजाक कर रही है किट्टी, तू का गेट पे खड़ी है, झूठ बोल रही है तू। तू जानता है ना किट्टी मजाक नहीं करती, जल्दी गेट खोल। क्या बात कर रही है तू, घर के बाहर है? अच्छा तू 2 मिनट तो दे मेरे को। हाँ 2 मिनट दे। अच्छा तू दरवाजे पे खड़ी, मैं आता हूँ। तो तुझे बाथरूम में किसने भेजा था? साहब उन्होंने भेजा। ओ महाराज फोटो शोटो बाद में देख लेना, पहले जिस काम के बुलाया वो काम तो कर लो। साहब जी जिस काम के लिए आपने बुलाया था वही काम तो कर रहा हूँ मैं। अरे तो फ्लश तो ठीक कर दे यार। साहब आपने तो वॉश बेसिन ठीक करने को कहा था मुझे। तो पिताजी अब फ्लश भी ठीक कर दो, मुझे गलती थोड़ी हो जाएगी। ठीक है साहब करता हूँ। हाँ कर दो जी, एहसान कर दो, जाओ 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 कर दो। बाली एक क्लाइंट आया तो एक काम करना, किचन में जा ठीक है? गेट खोल। नहीं खोल सकता। क्यों? मैं नंगा हूँ। तो पहली बार देखूंगा तो वो नंगा क्या? मैं नहीं, नहीं मुझे शर्म आती ना। तुझे प्लम्बर से तो शर्म नहीं आई? वो तो बाथरूम में है। तो तू नहा कर रहा है किचन में? मैं बाथरूम में नहा रहा हूँ, उसको भी किचन भेजा मैंने। तो इस शक्ल से लगती हूँ क्या मैं तुझे? नहीं। आज के बाद मुझे तेरा फोन नहीं आना चाहिए, वरना ताऊ से कह के दिल्ली से उठवा दूंगी। मुझे पता है क्या चल रहा है सुअर की औलाद। आजा भाई पढ़ ले अपनी मनोहर कहानियां, डॉक्टर बनना ना तुझे, इस जन्म में तो एक्ट्रेस ही बन के रहेगी। तूने बोला जब तू बाहर आया तो तूने मैडम का पन्ना पलटा हुआ देखा। हाँ बाद में तो पलटा हुआ था। हो गया टॉयलेट का काम? हो गया साहब। तो वॉश बेसिन भी ठीक कर दो। ठीक है साहब करता हूँ। कर दो यार, समझा कर दो, अपने ही घर है, चल करो कर दो। तो क्या वो पन्ना मैडम ने तेरे सामने पलटा था? नहीं साहब मेरे सामने तो नहीं पलटा। नाम क्या है तेरा? फारूक। फारूक बड़ा प्यारा लगता है फारूक तू मुझे। और उसे निशारा विचारा बहुत कर रहा था तू? नहीं सर, सर प्लीज प्लीज सर मुझसे गलती हो गई सर, आज के बाद मैं कभी अपने विंडो नहीं खोलूंगा सर, मुझे प्लीज जाने दो सर प्लीज। सॉरी वॉरी छोड़, तू ये बता जब तूने उस लड़की को खिड़की से इशारा किया तो उसने कोई इशारा तो किया ही हुआ तुझे?
मतलब फ्लाइंग केस भेजी फिर वो सर सर मेरी कसम सर उन्होंने मुझे बिल्कुल स्पाइल भी नहीं किया सर। आप आ जाइए। ओ मार चल और फिर बाद में ये आ गया और इन्होंने विंडो बंद कर दिया सर। कसम से सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। एक लौंडिया भी नहीं पटी तेरे पे। बहुत ज्यादा नशा करता है तू। उस दिन पार्टी में गया था थोड़ी ज्यादा हो गई सर। तूने इसके घर पे लड़की देखी थी उस दिन? जी सर। चेहरा देखा था? जी चेहरा नहीं देखा सर। क्यों? इसने सर देखने नहीं दिया सर। क्या कह रही है? ओ लौंडिया। सच्ची सीरियस वाली गर्लफ्रेंड है। कल रात से कुछ नहीं हुआ अभी तक। एक बार भी छटाके फटाके नहीं हुए। धीरे से चुपचाप निकल ले नहीं तो तू भी घर से बाहर है मैं भी घर से बाहर। चल जाना जाना। ठीक है दिया चांस। हाँ बहुत मेहरबानी। चल एक बार फेस तो देखा दे। फिर उसके बाद इसने घर से निकाल दिया सर। और तू चला गया? जी हाँ हाँ साहब इसी की आवाज थी। भगवान की कृपा से मेरे कान अभी तक अच्छे हैं। मुझे कम सुनाई नहीं देता है। ठीक है आपकी आदाश भी अब देख ही लेते हैं। चौधरी मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम मेरी आदतें छीन लोगे। आज मेरी सहेलियों के आने पे पाबंदी लगा रहे हो। तेरे मैंने तो पड़ोसियों में काट दूंगा गुस्सा। तेरे लिए प्यार करूं बॉलीवुड ज्यादा बोले थप्पड़ मारूंगा। ठीक है मैंने ही तुमसे शादी करने की जिद की थी मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम मेरी आदतें छीन लोगे। आज मेरी सहेलियों के आने पे पाबंदी लगा रहे हो। हां मेरी मर्जी जो करना कर ले मैं रखूंगा। हां साहब लड़की की यही आवाज थी लेकिन। लेकिन क्या? लड़के की आवाज इसकी नहीं थी। लड़के की आवाज इसकी हो भी नहीं सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपकी आदाज बाकी में बहुत अच्छी। अब जा सकते। और लाडले अब तू कुछ बोलेगा या सारी कहानी मैं ही समझाऊं तेरे को? मेरा माता तो उसी समय ठनक गया था जब तेरे घर पे सारी अंग्रेजी फिल्मों की सीटी थी सिर्फ एक हिंदी फिल्म की सीटी थी। श्रीदेवी का बहुत बड़ा फैन है तू है? सर कुछ समझ नहीं आ रहा। आएगा आएगा समझ भी आएगा। यादव लेकर जा इसको। वैसे तो इतना भी मासूम नहीं है जितना तू दिखने की कोशिश कर रहा है। बाली को तो तूने उस रात को सिर्फ जलाया था। मारा तो तूने उसे एक दिन पहले था। मुझे याद आया तेरे शूट पे टॉप पे सेफ्टी पिन लगा रहा था मैं चुप गया था ना तेरे को याद है कि तू मुंबई जाएगी तो मेरा डांस करने का बहुत मन करते हैं मैं भी करता हूं।
वैसे मान गया तेरे को, मजा आ गया तुझ जैसी कमीनी खोपड़ी से मिलके, कुत्ता दिमाग है इसके अंदर। पूरी दुनिया के सामने तूने उस लौंडिया को एक दिन तक जिंदा रखा, पूरे एक दिन तक। रामी तेरे को मना किया था ना निकली लौंडिया। केला है, सेब है, संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, पपीता है। क्या बात है साहब? वो क्या, अरे कितनी बार बोले फ्रूट वाले को ऊपर मत भेज, रोज आगे पकाता मुझे सुबह। साहब जी हम क्या करें, मैं उसे रोज मना कर तो पता नहीं रोज आ जाता है, कल मैं फाइनल बोल दूंगा। ठीक है, क्या काम था? साहब जी कल कुरियर वाला आया था, कुरियर देके गया था। दो? ये ले। काम कर, किचन में जाके जरा चाय देख ले तू। अरे चली जा यार, इतना अकड़ के क्या देख रही है? जा। अरे गुप्ता जी आप वाली काम करना, अंदर जा जरा किचन में, क्लाइंट आ रहा है। आज के बाद मुझे तेरा फोन नहीं आना चाहिए, वरना ताऊ से कहकर दिल्ली से उड़वा दूंगी। मुझे पता नहीं क्या चढ़ा सूअर की औलाद। हो गया टॉयलेट का काम? हो गया साहब। वॉश बेसिन भी ठीक कर दो। ये साफ करता हूँ। कर दो अपने ही घर चल करो। सिर्फ रात होने का इंतजार कर रहा था कि तू उसकी लाश को दुनिया की नजरों से बचा के चुपचाप ठिकाने लगा सके। अच्छी ट्रेनिंग है दोस्त। हैं? मान गया भाई। ओए दुनाली, तुम्हारे पास वाचिस है क्या? अभी सर मैं आपके लिए माचिस लेके आ रहा हूँ साहब जी।
सर मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरे बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मैंने ये सब नहीं सोचा था लेकिन ऐसा हो गया, आपको पता चल गया। मुझे मेरे बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा लेकिन 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 आप ये सब कोर्ट में कैसे साबित करोगे? सर बल्ली की जमानत के पेपर। ताजमहल चलेगा? ताजमहल तो आगरा में है। तुम मालवीय नगर ले ले। साला कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे विटनेस प्रोड्यूस होंगे, विटनेस को झुटला सकता है बस, कोई मेरे खिलाफ विटनेस प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। छूट दिया, सब कुछ सोच समझ के मैंने किया है, बेल पे छूट जाऊंगा। ए, कोई गाना लगा यार, एड इंच गेटर बस लगा। साहब जी समझ गया, रात में आपने क्यों नहीं दरवाजा खोला था।
है चड्डा साहब, फोटो शोटो भेजने के दिन लद गए, सीधा घर पे आ जाओ, लाइव दिखा देता हूँ आपको। चट पुरानी गल्ला यार, कोई कम शब्द गल करते हैं, तो मॉडल वाले दिखा यार। अरे मैंने कौन सी पुरानी बातों पर ध्यान देना चड्डा साहब, काम काम होता है। अभी दिखाता हूँ आपके प्रोडक्ट की मॉडल। तौलिये में डाल नहीं सकता, हाथ में ले नहीं सकता, यहाँ रख दो। और वो पैसे है ना, वो मैडम के पास है, उनसे ले लो, बहुत बिजी है वो, है ना, टाइम नहीं उनके पास। जिससे लड़ी है वो लाश बन के पड़ी है, अरे राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो लाश बन के खड़ी है। भाई गाड़ी रोक दे। हेलो किट्टी, अरे बोला था ना फोटो शूट करूंगा तेरा, टेंशन क्यों लेती तू? हाँ एक मीटिंग में था, अभी फ्री हो। बल्ली मेरे यार, तू समझता क्यों नहीं है? आई एम अ लॉयर नॉट अ डॉक्टर। तो क्या हुआ, आदमी की तो दोनों के पास जाने में पड़ती है। आप सिर्फ एक बात ध्यान रखो, काम सिर्फ आप कर सकते हो और कोई नहीं। वैसे तू है बड़ा समझदार। आप सिर्फ अपनी जेब का ध्यान रखा करो, ज्यादा सोचा मत करो। आप कौन है? गर्लफ्रेंड है। आ रही है क्या? हेलो कोको, देवी निशाना तो अभी राजपूत का भी नहीं चूकता। एम्बुलेंस बुला। जी सर। सर राणा एनकाउंटर में मारा गया, बट एक बैड न्यूज है, क्रॉस फायरिंग में एक आम आदमी की जान चली गई। ओके we'll be right back.
तेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। जाना माना फोटोग्राफर था और काफी प्रतिष्ठित फोटोग्राफर था।